नमस्कार स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का हार्दिक स्वागत है गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को एक बार जल्दी से बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ऑडियो क्लियर है वीडियो क्लियर है, है सारी चीज़ें ओके okay हैं तो हम अपना आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं नमस्कार स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे चलिए उम्मीद है ऑडियो आ रही होगी आप लोगों को एक बार हम सब भी शो कर देंगे कमेंट सेक्शन में नमस्कार सभी को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सभी को जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि आज का सत्र प्रारंभ किया जा सके चलिए क्वेश्चन <coughs> आएंगे स्क्रीन पे पीवाई क्यों रहेंगे वन बाय वन आंसर करना है जो नहीं आता है उसको समझ लेना है जो आता है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं है कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है माध्यम संदेश है दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है सूचना शक्ति है टेलीपैथी एक तकनीक है करेक्ट आंसर क्या कहेंगे क्या करेक्ट आंसर है ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए संचार से संबंधित नहीं है संचार से संबंधित कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है माध्यम संदेश है मीडियम इज मैसेज या दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है इलेक्ट्रॉनिक कोकून यानी कि जाल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जाल किससे इंटरनेट के माध्यम से पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का जाल जो है वो समस्त विश्व में फैल चुका है ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सूचना शक्ति इंफॉर्मेशन को ही पावर कहा गया है टेलीपैथी को एक टेक्निक बताया गया है अब यहाँ पे जो सूचना से संचार से संबंधित नहीं है वो फोर्थ स्टेटमेंट है टेलीपैथी एक तकनीक है टेलीपैथी माइंड को स्टडी करने की आ, एक टेक्निक होती है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं होती एक्सपीरियंस के बेस पर अगर आपने उस चीज को सीखा है तो इस आधार पर आप टेलीपैथी को जान सकते हैं माइंड को स्टडी करते हैं आप दूसरे पर्सन के ठीक है कहते ना कई लोग आंखों में डाल करके आपकी जो है विचार जो है वो जान लेते हैं तो यही एक तरीके की चीज है टेलीपैथी माइंड को स्टडी किया जाता है इसमें तो यहां पर डी स्टेटमेंट संचार कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं है बाकी आपके कम्युनिकेशन से संबंधित है मीडियम इज अ मैसेज या द वर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कोकून एक विद्युत जाल जिसे कहा गया इंटरनेट के माध्यम से विद्युत जाल बन गया है पूरी दुनिया और इंफॉर्मेशन पावर है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए अगला कह रहा है संचार व्रताकार हो जाता है जब कम्युनिकेशन सर्कुलर होता है कब कम्युनिकेशन सर्कुलर होता है क्या कहेंगे कौन सी प्रक्रिया कौन से विकल्प के बाद कम्युनिकेशन जो है वो सर्कुलर हो जाता है जब डिकोडर एक एनकोडर बन जाता है प्रतिक्रिया अनुपस्थित रहती है श्रोत विश्वसनीय है चैनल स्पष्ट है करेक्ट आंसर आपको बताना है सर्कुलर कम्युनिकेशन सर्कुलर कम्युनिकेशन यानी कि ये किस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कम्युनिकेशन के तीन मॉडल आपने पढ़े हुए एक तो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल रेखीय संचार जिसे आप कहते हैं ठीक है रेखीय संचार सर्कुलर कम्युनिकेशन या फिर इसे इंट्रेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं और एक मॉडल होता है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन का मॉडल अब मेनली दो चीज आपको ध्यान में रखनी है लीनियर कम्युनिकेशन जहां पर फीडबैक नहीं होता है प्रतिपुष्टि नहीं होती है एक तरफा संचार रहता है जहां व्रताकार की बात करेंगे तो वहां पर इंट्रैक्शन होगा ठीक है इंट्रैक्शन होगा अंतक्रिया होगी जो पहले आपका सेंडर है सेंडर एक चैनल के माध्यम से मैसेज को ट्रांसमिट करेगा रिसीवर के पास वो पहुंचेगा सेंडर प्रारंभ में एनकोडर रहेगा उसके बाद वो जो रिसीवर है उस समय वो डिकोडर की भूमिका निभाएगा डिकोडर को यानी कि जो आपका रिसीवर है यदि उसे कुछ कहना है तो वो वापस से फिर वो एनकोडर की भूमिका में आ जाएगा और ये भूमिका जो है वो बदलती रहेगी ठीक है तो यहां पे हम क्या कहेंगे संचार वृताकार हो जाता है जब डिकोडर एक एनकोडर बन जाता है डिकोडर एक एनकोडर बन जाता है डिकोडर कौन है संचार की प्रक्रिया में रिसीवर प्राप्त करता की निभाता है डिकोडर एनकोडर कब बनेगा जब वो फीडबैक देगा ठीक है फीडबैक देगा तो वो एनकोडर बन जाएगा तो यानी कि जब वो सेंडर की भूमिका में आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में करेक्ट किया है डिकोडर एक एनकोडर बन जाता है प्रतिक्रिया अनुपस्थित है इनकरेक्ट है सर्कुलर है तो प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिपुष्टि फीडबैक होगा उपस्थित होगा अनुपस्थित किसमें होता है लीनियर कम्युनिकेशन में यानी कि रेखीय संचार में अनुपस्थित होता है श्रोत विश्वसनीय चैनल स्पष्ट है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ध्यान रखना है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में जो सेंडर है यानी कि जो प्रेषक है जो संचार करता है जो संप्रेषक है एक ही नाम से आप इन्हें जानते हैं जो सेंडर है या सोर्स है इसी को एनकोडर के नाम से आप जानते हैं एनकोडर से तात्पर्य है जो कि किसी संदेश को उसके मन में जो विचार है जो वो संदेश का प्रारंभ कर रहा है उसको भाषागत रूप देता है इसीलिए सेंडर को एनकोडर कहा जाता है रिसीवर को डिकोडर कहा जाता है क्योंकि वो जो भी संदेश उसे प्राप्त होता है उसे डिकोड करता है उसे समझने की कोशिश करता है उसकी व्याख्या करता है उसका अनुवाद करता है तो इसीलिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रिसीवर जो है वो डिकोडर है रिसीवर जब प्रतिपुष्टि देता है तो वो वापस से एनकोडर की भूमिका में आ जाता है इसलिए कहेंगे डिकोडर एक एनकोडर जब बन जाता है तो वो एक व्रताकार संचार कहलाएगा तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया जिन्होंने भी ए को करेक्ट कहा है उम्मीद है समझ आया होगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 2008 की बात यहाँ पर पूछी गई है 2008 में मुंबई में 26 ग्यारह में आतंकवादी हमला हुआ था इस हमले के दौरान जो प्रमुख साइट का इस्तेमाल किया गया था आतंकवादियों के द्वारा उस साइट का नाम आपको बताना है कौन सी साइट थी ऑर्कुट फेसबुक एमेजॉन डॉट कॉम या फिर ट्विटर करेक्ट आंसर आपको बताना है छब्बीस ग्यारह को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था कई लोग इसमें मारे गए थे और इस हमले में कौन सी साइट का इस्तेमाल किया गया सोशल नेटवर्किंग साइट इस सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करके कोडिंग भाषा में संदेश भेजे गए आतंकवादियों द्वारा एक दूसरे को कौन सी साइट थी ट्विटर का इस्तेमाल किया गया था ठीक है डी स्टेटमेंट ट्विटर जो है करेक्ट आंसर है व्याख्या क्या, क्या कह रही है 6 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले में 13 साल अभी हम लगाए तो 13 या फिर इससे भी अधिक हो गए होंगे समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के दस लश जैसे मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल पर घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों ने पूरे इलाके में बम और गोलाबारी दहला दिया था इतिहास की सबसे भीषण और भयानक आतंकवादी हमला है हमले में 160 लोगों की जान गई और करीबन 300 से ज्यादा लोग घायल हुए ठीक है आगे चलते हैं अब कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है प्रभावी कक्षा संचार के लिए कभी कभी प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग करना वांछनीय है कारण कह रहा है प्रोजेक्शन तकनीक के उपयोग से पाठ्य सामग्री का व्यापक कवरेज की सुविधा मिल जाती है कौन सा कोड आप सही कहेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला कह रहा है ए आर सत्य है आर सही स्पष्टीकरण है अगला कह रहा है ए आर सत्य है लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है अगला कह रहा है ए सही है लेकिन आर झूठा है अगला कह रहा है ए झूठा है लेकिन आर जो है वो सच्चा है करेक्ट क्या कहेंगे आप कौन सा करेक्ट है प्रभावी कक्षा संचार के लिए कभी कभी प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग करना चाहिए प्रोजेक्शन तकनीक क्या है प्रोजेक्टर का जो आप कक्षा में इस्तेमाल करते हैं यही प्रोजेक्शन तकनीक है प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना प्रोजेक्टर क्या होता है एक बॉक्स आपके रूम में लगा रहता है वो बॉक्स से एक रेस जाती है आपके व्हाइट स्क्रीन पर या व्हाइट स्क्रीन लगी रहती है या फिर व्हाइट अगर वॉल है तो उस पर वो स्क्रीन का जो रे है वो जाएगा और वो कुछ चित्र या फिर कुछ वीडियो आपको प्रदर्शित करेगा एक तरीके का ऑडियो विजुअल टाइप का ही उपकरण आपका हो जाता है तो प्रभावी कक्षा संचार के लिए कभी कभी प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग करना चाहिए वांछनीय है या फिर नहीं होता करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर नहीं है बिल्कुल करेक्ट है अगला प्रोजेक्शन तकनीक के उपयोग से पाठ्यक्रम सामग्री की व्यापक कवरेज की सुविधा मिल जाती है बिल्कुल सही है आपके कोर्स को पूरा कराने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं दे रहा है ये हमें ध्यान रखना है इसलिए हम कहेंगे ए आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या यहां पर प्रस्तुत नहीं कर रहा है अलग अलग स्टेटमेंट है ठीक है बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट हो गया अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं <coughs> अगला क्वेश्चन कह रहा है डेटा का निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक डेटा संग्रह पर आधारित नहीं है डेटा का निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक डेटा संग्रह पर आधारित नहीं है भारत की जनगणना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भारत की सांख्यिकीय सार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है पहले यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो डायरेक्ट सोर्स यानी कि डायरेक्ट स्रोत से इकट्ठा करते हैं आप लोग यानी कि आप जिस वर्ग पर सर्वे कर रहे हैं डायरेक्ट उसी के बीच में जाकर के आप वो सर्वे कर रहे हैं उन्हीं से आंकड़े ले रहे हैं तो डायरेक्ट सोर्स के पास आप गए जैसे कोई घटना घटित होती है जो जो लोगों के साथ वो घटना घटित हुई आप उन लोगों के पास गए उनका अनुभव आपने वहां पर जाना तो ऐसे में वो आप प्राइमरी डाटा के आधार पर कार्य कर रहे हैं लेकिन उन लोगों के साथ घटना हुई और उनके नाते रिश्तेदारों से आप कोई चीज जान रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो सेकेंडरी डेटा के आधार पर आप कोई भी चीज कर रहे हैं ठीक है प्राइमरी डाटा डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डाटा की जब बात आती है तो ये तो आप या किसी किताब से आप, आप पढ़ के कुछ चीजें तो यह सेकेंडरी डाटा आपका हो जाता है ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी आपको डिफरेंस जो है वो समझना है डेटा के निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक डेटा पर आधारित नहीं है ये पूछा हुआ है नहीं है प्राइमरी डाटा पर आधारित नहीं है करेक्ट आंसर क्या कहेंगे प्राइमरी डाटा डायरेक्ट सोर्स से इकट्ठा कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा डायरेक्ट सोर्स से इकट्ठा ना करके बल्कि कि किसी अन्य सोर्स से जहां पर वो जानकारी है वहां से आपने कलेक्ट कर लिया ठीक है जैसे न्यूज घटना घटित हुई डायरेक्ट किसी पत्रकार ने उस घटना को न्यूज में छाप दिया आपने कोई लेख कोई आप कुछ अपना कुछ छापने की कोशिश कर रहे हैं आपने उसका रेफरेंस लिया किसी न्यूज़पेपर से तो आप क्या कर रहे हैं प्राइमरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है उस प्राइमरी डाटा से आप अपना सेकेंडरी डाटा तैयार कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा तो यहां पे हम क्या कहेंगे भारत की जनक जनगणना ये प्राइमरी डाटा का कलेक्शन है ठीक है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्राइमरी डाटा का कलेक्शन है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्राइमरी डाटा का कलेक्शन है लेकिन एबस्ट्रैक्ट की बात जहां पर आती है भारत के जनसांख्यिकीय जन सार जब डिटेल होगी तभी समरी तैयार की जाएगी तो ये सार हम कब कलेक्ट करेंगे कब तैयार कर पाएंगे जब प्राइमरी डाटा को हम लास्ट में संक्षिप्त में छाटेंगे तो ऐसी स्थिति में जो नहीं है वो है सी स्टेटमेंट भारत का सांख्यिकीय सार एबस्ट्रेक्ट ठीक है तो सी यहां पर करेक्ट हो गया आगे चलते हैं क्वेश्चन <coughs> क्या कहता है पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है आपकी सूचना को सुरक्षित रखने से संबंधित नहीं है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है करेक्ट क्या कहेंगे A, B, या फिर डी इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित जो नहीं है वो है इंफॉर्मेशन राइट ट्रैवल ठीक है इंफॉर्मेशन राइट ट्रैवल के माध्यम से आप डेटा को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के कर, कर सकते हैं तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं आप सुरक्षा का जो स्टेटमेंट है वो इसमें शामिल नहीं होता बाकी डाटा इंक्रिप्शन वॉटर मार्किंग डाटा हाइडिंग ये तीनों ही इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित होते हैं ठीक है इनके संदर्भ में एक स्टेटमेंट मैं आपको लेकर के आई हूं करेक्ट आंसर क्या है डी इंफॉर्मेशन राइट ट्रेवल क्या है इंफॉर्मेशन राइट ट्रेवल एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसको रिट्राइव पुनः प्राप्त कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो रही है डाटा इंक्रिप्शन ये क्या है डाटा इंक्रिप्शन डाटा को अलग तरीके से बदलने में या फिर कोड में बदलने में लोगों को ये मदद करता है और इसके माध्यम से आप एक एक तरीके से सीक्रेट पासवर्ड जैसा ये काम करता है जो कि हमें इस अलग तरीके के कोड में बदले हुए जो डाटा है उसको पढ़ने में हेल्प करता है वाटर मार्किंग आप देखते होंगे कई पेज ऑनलाइन आपको कुछ कंटेंट आप आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है? उसको कॉपी करना चाह रहे हैं वो कॉपी नहीं हो रहा है आपको उस पेज के बीच में एक उस जिस भी संस्था का वो पेज है उस संस्था की एक मार्किंग आपको दिख जाती है यानी कि एक ठप्पा सा आपको दिख जाता है आप उसको जब भी कॉपी करेंगे तो वो वहां पर चीज आएगी कि हाँ आपने उस संस्था से ये चीज ली हुई है तो वाटर मार्किंग यही होता है ठीक है कई बार आप कुछ पेजेस भी टाइप प्रिंट निकालते हैं उनके बीच में भी कुछ वॉटर मार्किंग लगी होती है क्रॉस में लगी होती है कैसे भी लगी होती है ये बीच में जो एक तरीके से वो संस्था का पंजीकरण है कि हाँ हमारा ये पेज है ये कंटेंट जो है वो हमने तैयार किया हुआ तो ये वाटर मार्किंग होती है अगला है डाटा हाइडिंग ये डाटा हाइडिंग क्या है आंतरिक वस्तु का विवरण छपाने की एक टेक्निक है ठीक है तो यहां पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन सा किससे संबंधित है बाकी ऊपर के तीन आपके इंटरनेट में सूचना सुरक्षा से संबंधित है इंफॉर्मेशन राइट ट्राइवल ये सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हैं भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है पहचानिए दिए गए विकल्पों में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है ये पूछा गया है टेरा बाइट किलोबाइट या गीगा बाइट अब आपके टिप्स पर होनी चाहिए ये आप सभी के टिप्स पर होनी चाहिए सबसे पहले छोटी यूनिट कौन सी है ये बताएंगे छोटी यूनिट कौन सी है बिट सबसे छोटी यूनिट जिसकी फुल फॉर्म क्या आती है पूछी जाती है बाइनरी डिजिट उसके बाद बाइट आती है उसके बाद आपकी किलोबाइट आती है फिर मेगाबाइट आ गया फिर गीगाबाइट आ गया फिर टेराबाइट आ गया फिर पीटाबाइट आ गया ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है करेक्ट आंसर यहां पर क्या कहेंगे सबसे बड़ा कौन सा है टेराबाइट ठीक है टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ा हो गया यहां पर आपका लेकिन इसी को अगर सही क्रम में लगाने को आ जाएगा तो आप कैसे लगाएंगे सही क्रम में आप लगाएंगे सीक्वेंस वाइज लगाइए कि सबसे छोटा कौन है उससे बड़ा कौन है तो यहां पर इन विकल्पों में हम क्या कहेंगे सबसे छोटा कौन सा है कौन सा यूनिट है सबसे छोटा हो गया आपका किलोबाइट ठीक है किलोबाइट सी स्टेटमेंट है उसके बाद एम हो गया केबी के बाद एम एमबी के बाद जीबी जीबी के बाद टीबी तो इस तरीके से आपको क्रम में लगाना भी आना चाहिए ठीक है ये ए स्टेटमेंट करेक्ट है एक बार दोबारा से देख लीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट बिट और हाई जो हमारी जो सबसे हाईएस्ट है वो है पीटा बाइट ठीक है बिट बाइट किलो बाइट मेगा बाइट गीगा बाइट टेरा बाइट पीटा बाइट डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि किसके बराबर है ये भी दिया हुआ है अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एक बिट किसके बराबर होता है अ सिंगल पिक्सल इन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आपकी जो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है वो एक बिट के बराबर होती है ठीक है बाइट अ सिंगल कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर के बराबर एक बाइट होता है किलोबाइट अ स्मॉल ईमेल इज अबाउट टू किलोबाइट। एक छोटा सा ईमेल जो है वो करीबन दो किलो के बराबर होता है मेगाबाइट एमपी फाइल टेक अप टू वन मेगाबाइट पर मिनट एमपी थ्री जो फाइल होती है जो आपके गाने वाने बजाने के लिए इस्तेमाल आप करते हैं ये एक मेगा बाइट बाइट जो, जो है वो पर मिनट जो है वो खर्च करती है चलने में ठीक है गीगा बाइट एक गीगा बाइट कैन होल्ड अपटू थ्री हंड्रेड एमपी थ्री सॉन्ग मेगा बाइट से सोचिए कितना बड़ा होगा एक गीगा बाइट में आपके तीन सौ एमपी थ्री सॉन्ग जो है वो आ जाते हैं ठीक है टेरा बाइट वन टेरा बाइट कैन होल्ड थाउजेंड डीवीडी क्वालिटी फिल्म एक टेराबाइट में आप हजार डीवीडी फिल्म्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं सेव करके रख सकते हैं पीटा बाइट कैन होल्ड इनफ एमपी थ्री सॉन्ग टू प्ले कॉन्टिन्यूअस ओवर टू थाउजेंड ईयर विदाउट रिपीटिंग जो आपका पीटा बाइट है वो क्या कह रहा है दो हजार दो हजार साल तक वो ये एमपी थ्री अगर एक पीटा बाइट की हम बात करें तो एक पीटा बाइट दो साल तक MP3 थ्री सॉन्ग्स को लगातार चला सकता है इतना होता है एक पीटाबाइट ठीक है तो उसकी स्टोरेज आप सकते हैं कितनी हो सकती है आगे चलते हैं बिट स्टैंड फॉर ये क्यू है और अगर इस तरीके का पीवाई क्यू आ जाए तो आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे जल्दी से बता दीजिए पीछे भी डिस्कस किया फुल फॉर्म आपको बतानी है बिट की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या करेक्ट फुल फॉर्म है जितने भी बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे जिन्होंने भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है बिट की फुल फॉर्म क्या है बाइनरी डिजिट ठीक है तो यहां पे बी स्टेटमेंट करेक्ट हुआ अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं पूछ रहे हैं फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस निम्न में से कौन सा नेटवर्क का डिवाइस नहीं है नेटवर्क के डिवाइस से हम क्या समझते हैं ऐसा डिवाइस जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता है या फिर इंटरनेट से किसी डिवाइस को कनेक्ट करता है ये होते हैं हमारे नेटवर्क डिवाइस तो राउटर स्विच हब या सीपीयू में से कौन सा आपका नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है बहुत ही आसान है आसानी से पहचान सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है आसानी से पहचान सकते हैं राउटर स्विच हब ये तीनों नेटवर्किंग डिवाइस की श्रेणी में आते हैं ये तीनों या तो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने या फिर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल में लाते हैं सीपीयू क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन है कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग भी हम इसे कहते हैं ये क्या करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी इनपुट को प्रोसेस करता है और माइंड लगाता है कि आखिर आगे, आगे ये कमांड जो है मुझे कौन से आउटपुट डिवाइस की तरफ या फिर कौन से डिवाइस की तरफ मुझे भेजनी है तो सीपीओ यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है ठीक है तो राउटर स्विच हब ये तीनों के तीनों आपके नेटवर्क डिवाइस हैं यहां पर देख लेते हैं राउटर स्विच और हब जो हैं वो क्या क्या चीजों में कार्य आते हैं कैसे दिखते हैं चित्र देखेंगे हब की तस्वीर दी हुई है राउटर की तस्वीर दी हुई है स्विच की तस्वीर दी हुई है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं इस राउटर की <coughs> क्या किया है राउटर ने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं राउटर है क्या बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ठीक है या तो ये वायर के थ्रू भी जुड़ा होता है या फिर ये वायरलेस भी होता है यानी कि वायर से भी जुड़ा हो सकता है वायरलेस भी हो सकता है और इसके माध्यम से आप कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं यानी कि कनेक्ट करने का काम करते हैं तो यहां पर क्या कहा गया है राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम भी आप लाते हैं ठीक है क्या कर रहा है या तो कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है आगे अगला देख लेते हैं स्विच यह स्विच का तस्वीर आपको दिया हुआ लगभग स्विच और हब जो है वो एक जैसे ही है ठीक है स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क डिवाइस और सेगमेंट को आपस में जोड़ता है और मल्टीपोर्ट ब्रिज भी इसे कहते हैं क्योंकि इसकी कार्यवृद्धि जो है वो ब्रिज के समान होती है क्या किया इसने एक मेन सिस्टम को बाकी अन्य जो छोटे छोटे हमारे पीसी हैं उनसे जोड़ दिया ठीक है किसने स्विच ने सेम काम जो है हब का भी है हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है इसका प्रयोग एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है सेम चीज आप हब के संदर्भ में भी देख रहे हैं सीपीयू क्या है प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का दिमाग आप इसे कहते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है और इसमें क्या करते हैं वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि आगे ये कमांड मुझे कहां भेजनी है अगला क्वेश्चन निम्न को निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कंपाइलर का उपयोग निष्पादित किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज असेंबल लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूट क्या कहेंगे क्या करेक्ट आंसर है कंपाइलर क्या है सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए बार-बार पूछा गया है पीवाईक्यू में कंपाइलर क्या है एक कह सकते हैं अनुवाद से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है जो करता क्या है यह आपको बताना है एक इंटरप्रेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर हम इसे कह सकते हैं ठीक है ट्रांसलेट करने का काम करता है किसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में आपके लिए ट्रांसलेट कर देता है ताकि आप उसे समझ पाए तो यहां पर हम क्या कहेंगे एक कंपाइलर का उपयोग निष्पादित किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए तो यहां पर हम करेक्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं ए स्टेटमेंट जो है करेक्ट आंसर है ठीक है ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर है और यही यहां पर भी कहा गया compiler एक translator program है कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है कंपाइलर नाम मुख्य रूप से उन प्रोग्रामों के लिए उपयोग किया जाता है जो एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम बनाने के लिए श्रोत कोड और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा से निचले स्तर की भाषा में अनुवाद करते हैं आगे चलते हैं <coughs> अगला क्वेश्चन कह रहा है महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी कहां पर पाया जाता है पीवाई क्यू है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से पूछा गया है महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी बड़े शरीर का शतुर्मुर्ग जैसा दिखने वाला पक्षी यह होता है भारी शरीर का होने के कारण भी एक अच्छी उड़ान जो है भरता है कहां पर दिखता है करेक्ट आंसर बताना है ध्यान रखें राजस्थान के थार जो मरुस्थल है वहां पर आपको देखने को मिलता है ठीक है राजस्थान के थार रेगिस्तान में आपको देखने को मिलता है ए स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है अगले पे चलते हैं सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत शिखर के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था करेक्ट आंसर बताना है सागर मंथन या इसको हम कहते हैं सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर क्या कहेंगे कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट या फिर अन्नपूर्णा या धौलावीरा करेक्ट आंसर क्या है ए बी सी या फिर डी हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है बच्चे सभी ने वीडियो को जल्दी से लाइक भी करना है और शेयर भी कर देना है अच्छा बचपन में जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे शायद आप जब सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे होंगे तो वहां पर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एवरेस्ट शिखर पर और उस एवरेस्ट शिखर पर जब आपने चैप्टर पढ़ा तो वहां पर आपने एनसीईआरटी का ही चैप्टर था वहां पे आपने जाना था कि जितने भी नेपाल वासी हैं वो एवरेस्ट पर्वत को सागर का मस्तक के नाम से यानी सागर माथा के नाम से जानते हैं लोकल लोग वहां के वो एवरेस्ट पर्वत नहीं कहते वो सागर माथा कहते हैं क्योंकि वो उसे समुद्र का मस्तक मान करके चलते हैं तो इसीलिए यहां पर नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है सागर मंथन या सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत शिखर के इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट ठीक है बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है ध्यान रखना है बी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान एवरेस्ट पर्वत शिखर के इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया इको इकोसिस्टम क्या होता है ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है शब्द की शब्द से कंफ्यूज नहीं हो इको क्या होता है हम पर्यावरण में रहते हुए जितने भी जीव जंतु हैं हम सभी की एक दूसरे पर जो आश्रितता है यानी एक दूसरे पर जो निर्भरता है डिपेंडेंसी है वो एक इकोसिस्टम एक बनाती है यहां तक कि छोटे से छोटी जगह का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है एक घर में आप छोटा सा एक्वेरियम रखते हैं वो छोटा सा क्या होता है एक कांच का आप बना के रखते हैं ना उसमें मछली पालन करते हैं आप छोटी डेकोरेटिव मछलियां उसमें रखते हैं रंग बिरंगी सी वो छोटे से एक्वेरियम का भी अपना एक इकोसिस्टम एक रहता है वहां भी आप देखते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है है ना ऐसे ही एक छोटे से पार्क या घास के मैदान का भी अपना एक ईको एक एक होता है यानी वहां पर भी जितने छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े वो भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं आहार के लिए यही होता है इको ठीक है एक दूसरे पर जो हमारी निर्भरता है जीव जंतुओं की वो इको तैयार करती है तो ये आपको ध्यान में रखना इको सिस्टम शब्द बार बार रिपीट होता है आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है इको आगे चलते हैं अधिकतम कालिक किसके द्वारा निकलती है पेट्रोल वाहन से सीएनजी वाहन से डीजल वाहन से थर्मल पावर प्लांट से कालिक काला धुआं किससे निकलता है कालिक किसके निकल किससे निकलती है पेट्रोल से सीएनजी से डीजल से या फिर थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट कह लीजिए या फिर कोल सेक्टर कह लीजिए एक ही बात है कोई कुछ कहना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में छोटा दिखता है uh, इसके लिए मैं कल से आप लोगों का फॉन्ट जो है वो बड़ा करके ले आऊंगी ठीक है कल से आप लोगों के लिए फॉन्ट में बड़ा करके ले आऊंगी और कुछ कहना चाह रहे हैं अगर आज क्लियर नहीं है तो जो मैं बोल रही हूं मौखिक रूप से उसको आप ध्यान से सुनेंगे ठीक है अब थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा भारत में ऊर्जा किससे उत्पन्न हो रही है तो यह भी आपको ध्यान रखना है थर्मल सेक्टर से कोल सेक्टर से सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण काले काला धुआं यानी कि वायु प्रदूषण भी इसी से फैल रहा है तो ऐसी स्थिति में थर्मल पावर प्लांट यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली क्लास हमारी कंटिन्यू करेंगे अभी दो तीन दिन से ठीक है दो तीन दिन में हम लोग उसको शुरू कर लेंगे अब अगला टॉपिक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड का स्टार्ट करना है उसको मैं शुरू करवाती हूँ ठीक है ओके ये ऊपर जो मार्क आपको दिखता है देखिए क्या होता है कि ये जो ऊपर आपको लोगो दिखता है ये पीपीटी में नहीं लगा होता है ये आपको वहीं पर दिखाई देता है मैं कल से इस चीज का ध्यान रखूंगी मैं आप लोगों के लिए पीपीटी जो है वो सेंटर में करके लेके आऊंगी ठीक है अब आज अगर इस चीज को करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा हर क्वेश्चन पर आज हम थोड़ा सा काम चला लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए मैं इस तरफ क्वेश्चन ले आऊंगी उस तरफ हम खाली रखेंगे ठीक है चलिए चलिए तो आगे चलते हैं यहां पर थर्मल पावर प्लांट जो है वो करेक्ट आंसर था और कुछ कहना चाह रहे हैं कह सकते हैं मैं कई बार फोन को एक साइड रख देती हूं जी लोगो विवेक भैया का है बिल्कुल चलिए हम सबका है है ना हम सबका है ये लोगो तो भूतल ओजोन का उत्पादन होता है सरफेस ओजोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कौन से क्षेत्र से सरफेस ओजोन जो है वो उत्सर्जित होती है करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है परिवहन क्षेत्र सीमेंट क्षेत्र कपड़ा उद्योग या रासायनिक उद्योग ध्यान रखेंगे मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूं सरफेस ओजोन जिसे हम भूतल ओजोन के नाम से जानते हैं ये कहाँ से उत्सर्जित हो रही है कौन से सेक्टर से परिवहन सेक्टर से केमिकल से ये सीमेंट से टेक्सटाइल से या फिर केमिकल से करेक्ट आंसर क्या कहेंगे परिवहन क्षेत्र सीमेंट संयंत्र कपड़ा उद्योग या रासायनिक उद्योग करेक्ट आंसर क्या है अब इसके संदर्भ में मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरीके की ओजोन हमारे पर्यावरण में मौजूद है एक ओजोन जिसे हम गुड ओजोन के नाम से जानते हैं ये ओजोन जो है मिलती है हमें समताप मंडल में समताप मंडल यानी कि वो सतह जहां पर ओजोन गुड ओजोन पाई जाती है ये गुड ओजोन क्या करती है ध्यान में रखना है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है ठीक है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है यदि ये गुड ओजोन ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ेंगी हमारे सीधे अन्य पौधे पर या प्लांट्स पर जीव जंतुओं पर पड़ेगी तो उनको भी वो नुकसान पहुंचाएगी हमारी स्किन को भी वो नुकसान पहुंचाएगी इतना नुकसान पहुंचा सकती है ये अल्ट्रावायलेट रेज कि हमें चर्म से जुड़ा हुआ कैंसर तक हो सकता है इसलिए ये गुड ओजोन जो समताप मंडल में मौजूद है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस ओजोन में छेद हो रहे हैं छिद्र हो रहे हैं कारण क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस इसके छिद्र का एक महत्वपूर्ण कारण है तो सरफेस ओजोन कौन सी होती है सरफेन ओजोन को हम बैड ओजोन के नाम से जानते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है पर्यावरण में लेकिन फिर भी वो पर्यावरण में मौजूद है उत्सर्जित कहां से हो रहा है करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ठीक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से या फिर हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्रों से भी इसका उत्सर्जन होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या सड़क में जितने भी यातायात के साधन चल रहे हैं उनसे निकलने वाला धुआं ये सरफेस ओजोन को उत्सर्जित करता है ठीक है तो यहां पर आपको ये चीज मेन ध्यान में रखनी है जो सरफेस ओजोन है ये बेड ओजोन है जिसे हम ग्राउंड लेवल की ओजोन के नाम से भी जानते हैं ये कलरलेस है यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं होता इस गैस में और यह गैस जो है यह अत्यधिक परेशान आपको करती है आंखों में जलन जैसी शिकायत आपको इसके माध्यम से होती है अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इसी सरफेस ओजोन को सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीय द्वितीय प्रदूषक के नाम से भी आप जानते हैं ठीक है अब यह द्वितीय प्रदूषक जो है वो कैसे तैयार होता है दो गैसें मिलती हैं और दो गैसें कौन कौन सी हैं यह गैस आपको ध्यान में रखनी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन यौगिक ठीक है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिक जब सूर्य की रोशनी और सूर्य के ताप के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह सरफेस ओजोन वो बनाते हैं कौन कौन सी गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है सरफेस ओजोन में कौन कौन सी गैसों का समावेश है तो ऐसे में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जिसे हम या तो एनओ एक्स या फिर वी ओ सी के नाम से भी जानते हैं सनलाइट और हीट के साथ जब ये प्रतिक्रिया करती है तो ये सरफेस ओजोन का निर्माण करती है कौन से सेक्टर से आ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ठीक है तो ए स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट आंसर एक चित्र में आपको दिखा रही हूं ध्यान से उस चित्र को देखिएगा ये चित्र आपको नजर आ रहा है ये है आपकी सरफेस ओजोन ठीक है यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है फैक्ट्रियों से भी धुआं निकल रहा है गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा है क्या कहा गया एनओ एक्स प्लस वी सी यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ जब हीट और सनलाइट ने प्रतिक्रिया करी तो सरफेस ओजोन का निर्माण हुआ नीचे क्या कहा गया ग्राउंड लेवल और बेड ओजोन इज नॉट इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर ये सीधे हवा में नहीं जाती बट इट क्रिएट बाय केमिकल रिएक्शन ये सी, सीधे हवा में नहीं जा रही अचानक से हवा में उत्पन्न नहीं हो रही है बल्कि ये केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न हो रही है किसके केमिकल रिएक्शन में ऊपर आपको दिया हुआ है किसके केमिकल रिएक्शन में एनो एक्स और बीओ सी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट जब ये आपस में मिलते हैं प्रतिक्रिया करते हैं रिएक्शन करते हैं तो यह सरफेस ओजोन का निर्माण होता है ठीक है इंपॉर्टेंट है सरफेस ओजोन बैड ओजोन ठीक है इससे भी क्वेश्चन आते हैं क्या नीचे स्टेटमेंट दिया है ग्राउंड लेवल ओजोन एवं रंग एक रंगहीन और अत्यधिक परेशान करने वाली गैस है जो पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर बनती है शोभ मंडल में ठीक है शोभ मंडल में यह पाई जाती है बैड ओजोन इसे द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट के नाम से भी आप इसे जानते हैं क्योंकि यह तब उत्पन्न होती है जब दो प्राथमिक प्रदूषक अब ये दो प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं ठीक है थीके? दो प्राथमिक प्रदूषक जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक शामिल हैं ये जब सूर्य के प्रकाश और स्थिर हवा से प्रतिक्रिया करते हैं ये दो प्राथमिक प्रदूषक हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ध्यान रखना है बैड ओजोन के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए बैड ओजोन पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है रंगहीन गैस है आपकी आंखों में जलन उत्पन्न करती है कैसे तैयार होती है आपको ध्यान में रखना है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जब हीट ऊष्मा और सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ये सरफेस ओजोन पर्यावरण में उत्पन्न होती है जो विशेषकर परिवहन क्षेत्र ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलने वाले धुएं या औद्योगिक जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाले धुएं से ये उत्पन्न होती है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है ए स्टेटमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहां पर हम करेक्ट आंसर कह रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किस गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का सबसे अधिक आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है सौर हवा भू थर्मल महासागरीय थर्मल ऊर्जा रूपांतरण करेक्ट आंसर क्या कहेंगे ए बी सी या फिर डी जितने भी बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर सभी ने करना है हां जी दोबारा से ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है पारंपरिक ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सी है पारंपरिक ऊर्जा जो पहले से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आप इस्तेमाल करते हुए आए हैं ठीक है इसमें आप जो भी ऊर्जा पहले से इस्तेमाल करते आए हैं कोल पेट्रोलियम आदि जो ऊर्जा है जलाऊ लकड़ी है ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं गैर पारंपरिक वर्तमान समय में हाल ही में आपने इनका जो खोज है वो किया हुआ है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है जो पारंपरिक ऊर्जा है वो पर्यावरण के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है लागत में भी वो ज्यादा पड़ती है महंगी है और गैर पारंपरिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है इको फ्रेंडली है और सस्ती है लेकिन अभी हाल ही में इसको सामने ला लेके आया गया है तो इतना इसका जो यूज है वो नहीं हो पा रहा है ठीक है यहां पर हम करेक्ट आंसर क्या कहेंगे सोलर एनर्जी ठीक है ध्यान रखना है सोलर एनर्जी कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सबसे अधिक आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है वो है सोलर एनर्जी का ठीक है ए स्टेटमेंट यहां पे कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है इसे देख लेते हैं कन्वेंशनल यानी कि आपके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं यानी कि गैर नवीकरणीय सोर्स हैं यहां पर देख लेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी परंपरागत जो स्रोत है एनर्जी के कौन कौन से हैं कोल आ जाता है पेट्रोलियम आ जाता है नेचुरल गैस आ जाता है ये सभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहलाते हैं और दे हैव बीन इन यूज सिंस लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उदाहरण के लिए फायरवुड जलाओ जो लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं कोल का आप इस्तेमाल करते हैं लंबे समय से आप इस्तेमाल करते आए हैं अब यहां पे कहा गया है ये ज्यादातर जितने भी आपके कन्वेंशनल सोर्स हैं ये ज्यादातर पोल्यूशन जो है वो फैलाते हैं प्रदूषण फैलाते हैं दे कैन कॉमन एंड वाइडली यूज सोर्स ज्यादातर अधिकांश तौर पर और विस्तृत तौर पर इसी सोर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है उदाहरण के लिए थर्मल पावर प्लांट से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उनका अधिकतर उपयोग किया जाता है नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स जो हैं उनकी बात की गई है ठीक है जिसमें उदाहरण दिया गया है सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और ये कहा गया अभी हाल ही में इनका जो विकास है वो हुआ है और उदाहरण भी यहां पर दिया गया है कि सोलर पैनल आपको लगाने पड़ते हैं यदि आप सौर ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहते हैं तो ठीक है और ये पर्यावरण में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाते और ये जो आपके कन्वेंशनल सोर्स हैं उनकी तुलना में थोड़ा नवीन है ठीक है और इतना इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कह लीजिए रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल या फिर रिन्यूएबल कह लीजिए ठीक है कुछ भी कह लीजिए एक ही बात है आगे चलते हैं भारत में सबसे अधिक आवृत्ति प्राकृतिक खतरा कौन सा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से डिजास्टर से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है यहां पे पूछा गया है भारत में आने वाला सबसे ज्यादा प्राकृतिक खतरा कौन सा है भूकंप भार भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी करेक्ट आंसर क्या कहेंगे ए बी सी या फिर डी ए बी सी या फिर डी सबसे ज्यादा आने वाला भारत में प्राकृतिक खतरा कौन सा है अभी भी समाचार आप ओपन करते हैं हर जगह यही है यहां बाढ़ आई हुई है वहां बाढ़ आई हुई है हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है है ना तो यहां पे बी स्टेटमेंट जो है करेक्ट आंसर है आगे चलते हैं पूछा गया है पंद्रह सौ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश है अधिक शिक्षण नौकरियां पैदा करना या उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में वृद्धि करना या सार्वजनिक संस्थानों द्वारा निजी तौर पर प्रबंधन प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिस्थापित करना या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ते आंदोलन को सक्षम बनाना करेक्ट आंसर बनाना है बताना है नेशनल नॉलेज कमीशन से नेशनल नॉलेज कमीशन नेशनल नॉलेज कमीशन जो संस्था थी वो थोड़े अवधि तक के लिए ही संस्था को स्थापित किया गया था लगभग 2005 में इसको स्थापित किया गया और 2014 में इसको भंग भी कर दिया गया यानी बहुत थोड़ी अवधि के लिए इसने कार्य किया एक तरीके से नीति निर्धारण का कार्य इसका था ठीक है शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण का कार्य इसको सौंपा गया था इसीलिए यह भारत में एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है थिंक टैंक से तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में संभावित नीतियों पर विचार करने के लिए संस्था की स्थापना भी की गई थी ठीक है अब यहाँ पे आपसे पूछा गया 1500 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो एन की सिफारिश की गई उसके पीछे क्या उद्देश्य रखा गया था हायर एजुकेशन लेवल पर बच्चों का नामांकन बढ़ाया जाए इसी उद्देश्य से 1500 नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी ठीक है हायर एजुकेशन लेवल पर एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए 1500 नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी ध्यान रखना है नेशनल नॉलेज कमीशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसी कमीशन को हम सैम पेत्रोदा आयोग के नाम से भी जानते हैं स्थापित किया गया तेरह जून दो को भंग कर दिया गया 2014 जुलाई 2014 को मनमोहन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको स्थापित किया था सैम पत्रोदा अध्यक्ष थे उन्हीं के साथ मिलकर के इसको स्थापित किया था लेकिन अभी यह संस्था भंग हो चुकी है ठीक है नीचे व्याख्या देख लेते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारतीय थिंक टैंक था जिसे संभावित नीतियों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था गठन किया गया 13 जून 2005 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा उद्देश्य था एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज को विकसित करना मुख्यालय नई दिल्ली में था प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे इसलिए सैम पेत्र आयोग के नाम से आप इसे जानते हैं स्थापित किया गया तेरह जून दो को भंग कर दिया गया जुलाई दो को ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य का संचालन किया जाएगा किसमें केवल अंग्रेजी केवल हिंदी अंग्रेजी हिंदी दोनों या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में क्या कहेंगे क्या करेक्ट है ए बी सी या फिर डी जितने भी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वीडियो को लाइक शेयर कर देना है चलिए करेक्ट आंसर क्या है अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य का संचालन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगा ठीक है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगा अगले पे चलते हैं कौन अधिक इंटरेक्टिव और छात्र केंद्रित है संगोष्ठी कार्यशाला व्याख्यान या समूह चर्चा करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन ज्यादा इंटरेक्टिव है जिसमें अंतर क्रिया का ज्यादा अवसर मिलता है करेक्ट आंसर क्या है सेमिनार वर्कशॉप लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन a b c f or d इंट्रेक्टिव समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन जो है वो करेक्ट आंसर होगा डिस्कशन ही अपने आप में इंटरेक्टिव है चर्चा विचार विमर्श होगा ठीक है तो यहां पर डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है आगे चलते हैं भारत भारत में संसद बना हुआ है किससे ये क्वेश्चन थे हायर एजुकेशन से जो 2018 तक पूछे जाते थे इंडियन पॉलिटी से ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन भारत में संसद बना है किस से करेक्ट आंसर बताना है कौन सा विकल्प सही है अभी इस तरीके के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते पेपर वन में ठीक है पहले आपसे पूछे जाते थे अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इंडियन पॉलिटी से आते भी है तो वो आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाएंगे या वो प्रावधान आपसे पूछ लिए जाएंगे जो भारतीय शिक्षा से संबंधित है ठीक है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या कहेंगे क्या करेक्ट आंसर है लोकसभा राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति ठीक है तो सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो गया जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा अगले पे चलते हैं भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन में औपचारिक शिक्षा प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली दोनों का योगदान है दूरस्थ शिक्षा का कितना प्रतिशत योगदान है यह आपको बताना है हायर एजुकेशन में नामांकन में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ाने में औपचारिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा दोनों ही का योगदान है यहां पर बताना है दूर शिक्षा का कितना योगदान है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ाने में करेक्ट आंसर क्या है ए बी सी या फिर डी कितना प्रतिशत योगदान है तो यहां पर हम कहेंगे 25 प्रतिशत फॉर्मल सिस्टम का ठीक है फॉर्मल सिस्टम का 25 प्रतिशत तो औपचारिक प्रणाली का 25 प्रतिशत करेक्ट आंसर हो गया ठीक है बी स्टेटमेंट अगला क्वेश्चन कह रहा है यूजीसी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज अस्तित्व में आए विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों के अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दोनों से होकर के गुजरना पड़ता है कौन सा कोड सही कहेंगे अकेडमिक स्टाफ कॉलेज और ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स ये आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है इसका ये बताना है आपने यूजीसी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकेडमिक स्टाफ कॉलेज अस्तित्व में आई ये अकेडमिक स्टाफ कॉलेज क्या करते हैं यहां पर जाकर के आप अपने आप को अकेडमिक्स में एज अ टीचर अपने आप को अकेडमिक्स में अप टू डेट रख सकते हैं ठीक है ऐसे ही आपके रिफ्रेशर कोर्स होते हैं रिफ्रेशर कोर्स में भी टीचर को टाइम टू टाइम अपडेट रखा जाता है ठीक है तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे ए आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है ए स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है अगला देख लेते हैं कौन एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है समय की पाबंदी और ईमानदारी सामग्री में महारत सामग्री में महारत प्रतिक्रियाशीलता सामग्री में महारत और मिलनसार रवैया करेक्ट आंसर क्या कहेंगे Uh, उम्मीद है अभी आपको वॉइस आ रही होगी अचानक से वीडियो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया शायद नेटवर्क का इशू था आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं एक बार हम सब शो करेंगे अचानक से आवाज चली गई और बफरिंग हुई और इंटरनेट जो है वो समस्या दे गया है ना इस विषय में अभी पीछे शायद पता नहीं कहां पर ये कट हो गया तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे ठीक है अगर यहां पर हमारा कट हुआ है तो इसी के आगे जान लेते हैं अगर इसके बाद हुआ है तो आप एक बार दोबारा सुन लीजिएगा ठीक है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं जो टीचर्स को अपडेट रखते हैं जिनके माध्यम से टीचर्स को कैसे वो एक क्रिएटिव टीचर बन सकते हैं कैसे बच्चों की लर्निंग को मैक्सिमम कर सकते हैं थम्सअप एक बार शो करिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप शो करेंगे सभी थम्सअप शो करेंगे सिग्नल मुझे यहां से ग्रीन शो हो रहे हैं लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है समस्या पता नहीं कहां हो रही है चलिए तो इस प्रश्न के साथ मैं यहीं पे आज का ये सत्र समाप्त कर रही हूं क्योंकि नेटवर्क भी अब यह जवाब दे रहा है कि अब मौसम जो है यहां पर खराब है अब इसको आप बंद कर दीजिए कल फिर से मुलाकात करेंगे ग्यारह बजे के लिए ठीक है तो जितने भी बच्चे जुड़े रहे सभी ने वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है कल की क्लास में सुबह ग्यारह बजे आप लोगों ने वापस से जुड़ जाना है तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया